अररिया जिले के कस्बा बिधुना के भरतना रोड स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रसव कराने 38 वर्षीय महिला उसके नवजात शिशु की प्रसव के बाद मौत के मामले में दिवंगत महिला के स्वजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली में अभियोग दर्ज कराया। कोतवाली बिधुना क्षेत्र के ग्राम भगवानपुरा निवासी लाल सिंह की पत्नी गीता देवी को गुरुवार को प्रसव वेदना के चलते बिधुना भरतना मार्ग स्थित वीना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्वजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा 50,000 जमा कराया गया था और सुरक्षित प्रसव कराने की जिम्मेदारी ली गई थी। गुरुवार की रात में गीता को प्रसव के दौरान बच्ची पैदा हुई, इसके कुछ देर बाद मृत्यु हो गई। इस दौरान गीता को इटावा रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने गीता को मृतक घोषित कर दिया। जच्चा बच्चा दोनों की मौत से स्वजन आक्रोशित हो गए। आरोपी की दिवंगत महिला के स्वजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। दिवंगत महिला के पति लाल सिंह ने कोतवाली में अस्पताल प्रशासन पर प्रसव कराने में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जीवाराम ने कहा, तहरीर के आधार पर धारा 304 समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। लाल सिंह, पिताजी का नाम? श्री सीताराम। कहाँ रहते हैं आप? भगवानपुर। भगवानपुर, कोतवाली बिधुना जी। क्या मामला है, प्रसव के दौरान आपकी पत्नी की मौत हो गई है, क्या हुआ? हमने वो बच्चे को पैदावारी होने की थी, इसलिए वहाँ भर्ती कराया था। जी जी। तो उन्होंने कहा कि पहले पैसे जमा होंगे, उसके बाद में इलाज उन्होंने चालू कर दिया। हमने कहा साहब पैसे धीरे धीरे दे देंगे हम, सुबह तक आपको पहुँच जाएंगे। तो फिर दे दिए सुबह तक पैसे। कितने पैसे दिए थे? 50,000 रुपये ले लिए उन्होंने, पहले जमा करा लिए। जी, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा आपका मरीज सही है, जच्चा बच्चा दोनों की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत देंगे। तो मैंने कहा ठीक है साहब, भरोसा किया उन लोगों पे। हमने कहा कोई अगर दिक्कत हो तो आप मुझे बता दो, हम दूसरी जगह दिखा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्ची रात में 12 बजे पैदा हुई, उसके बाद वो मर गई जी। फिर उन्होंने कहा कि इसको लेके जाओ, बच्चा आपकी मरीज जो है वो ठीक है। हमने कहा ठीक। सवेरे जब उन्होंने कहा कि दलिया लिया कुछ लेके आओ घर से, दवा खिलानी है, हम दलिया लेने घर पे गए, तो वहाँ जाते ही घर पे पहुँचे ही पाए, फ़ोन किया उन्होंने कि आपकी मरीज की हालत बिगड़ गई और आप जल्दी से आ जाओ 5 मिनट में। तो हम जल्दी से